हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कैसे हम फॉलोअर्स और फॉलोइंग की लिस्ट दिखाएंगे। ठीक है, कुछ चेंजेस किए हैं, वो इजी चेंजेस थे। मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस किए हैं इस सर्च वाली लिस्ट में। जब भी हम फॉलो अनफॉलो कर रहे हैं तो कुछ डेटा हमने एक्स्ट्रा डाला है, जिससे हम यहाँ पे फॉलोअर्स और फॉलोइंग की लिस्ट में उन डेटा को दिखा सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो चलते हैं कोड की तरफ। तो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, जब भी हम फॉलो अनफॉलो कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जब फॉलो अनफॉलो कर रहे थे तो हम सिर्फ यूज़र की ईमेल आईडी को डेटाबेस में सेव करा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने फॉलोइंग ऐड किया, तो फॉलोइंग में हम सिर्फ ये यूज़र आईडी डायरेक्टली ये आईडी ऐड करा रहे थे, की भी नहीं थी। ठीक है, डायरेक्टली हम स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करा दे रहे थे। ठीक है, बट फिर मैंने क्या चेंज कर दिया, मैंने स्ट्रक्चर में ये चेंज कर दिया, मेरे को यहाँ पे जब हम यहाँ पे लिस्टिंग दिखाएंगे तो यूज़र की हमें फ़ोटो इमेज और उसका नाम भी चाहिए होगा कि ये बंदा फॉलो कर रहा है, इसका ये नाम है और ये इमेज है ना, ऐसे ही फॉलोइंग में। तो मैंने क्या करा, जब हम यहाँ पे ये फॉलो अनफॉलो वाला कोड लगा रहे थे तो वहाँ पे जब हम सिर्फ पुश कर रहे थे, पुश में सिर्फ ओनली आईडी कर रहे थे ना, तो उसको मैंने अब ऑब्जेक्ट पुश करने लग गया, ये ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में नेम, प्रोफाइल पिक और यूज़र आईडी हम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए सेम है, फॉलोअर्स के लिए भी और फॉलोइंग के लिए। तो ये चेंजेस ईजी चेंजेस हैं, आपको सिर्फ डेटा चेंज करना है, तो मुझे पूरा भरोसा है आप कर लोगे इस चीज़ को। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले हम सिर्फ ओनली ये भेज रहे थे, अब हमने क्या करा, पूरा नेम, नेम के अंदर ये पूरा एक ऑब्जेक्ट भेजने लगे हैं। पहले हम ओनली एक स्ट्रिंग भेज रहे थे, ठीक है, एरे के अंदर। ये चेंज हमने किए, उसके बाद क्या हो गया कि जब भी हम फॉलो अनफॉलो कर रहे हैं तो हम पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ सेव हो रहा है इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे आ गया, मुझे निकालना है फॉलोअर्स की लिस्ट, मेरे फॉलोअर्स की लिस्ट या मेरी फॉलोइंग लिस्ट। वहाँ पर हम चलते हैं कोड में, प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, मैंने क्या करा, प्रोफाइल डेटा निकाला, प्रोफाइल डेटा के अंदर मैंने फॉलोइंग सेट कर दिया, फॉलोअर सेट कर दिया। ठीक है, और ये फॉलोअर्स और फॉलोइंग है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे जो फ्लैट लिस्ट पहले बना रखी थी उस फ्लैट लिस्ट को मैंने कर दिया था कमेंट, इसको मैं करूँगा यहाँ अनकमेंट यूजर लिस्ट में, और मैं यहाँ पे दिखाऊँगा फॉलोइंग, क्योंकि मेरी फॉलोइंग, मैंने दो लोगों को फॉलो कर रखा है तो मेरी फॉलोइंग ज़्यादा है ना। और तो वही सारी चीज़ें हैं, नेम है, यूज़र है, वगैरह वगैरह। ठीक है, बस ये फॉलो स्टेटस है, इस फॉलो स्टेटस को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और इस फॉलो स्टेटस को मैं यहाँ पे गेट फॉलो स्टेटस वाला जो कोड है, जो हमने यहाँ लिया है, वही सेम कोड हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने उठा के कर दिया इसको यहाँ पेस्ट, यूआई के बाहर, रिटर्न के बाहर, यहाँ पे। ठीक है, बात रही यूज़र आईडी की, तो जहाँ पे हम प्रोफाइल डेटा निकाल रहे हैं अपना प्रोफाइल डेटा, तो ये यूज़र आईडी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम डायरेक्टली कहाँ ले लेंगे, ग्लोबली, लेट यूज़र आईडी इक्वल्स टू, ठीक है, इससे क्या होगा, हम उसे पूरे ऐप के कहीं यूज़ कर सकेंगे इसलिए। अब बात करते हैं एरर क्या आया, प्रोफाइल पिक अनडिफाइंड, कौन सी प्रोफाइल पिक है, 208 पे, 208 यहाँ पे है ना। तो इस डेटा के अंदर प्रोफाइल पिक आ रही है या नहीं, वही देखना ना मैं। तो भाई ये आइटम है, फॉलोइंग ले रहे हैं हम, और फॉलोइंग, हाँ, ओके, एक बार मैं सेव कर लेता हूँ दोबारा से। एक बार ये फ्लैट लिस्ट दिखाने से पहले इस कोड को थोड़ा सा मैं कमेंट करके, और मैं एक बार देख लेता हूँ कंसोल करके कि क्या आ रहा है हमारी फॉलोइंग के अंदर, जिससे बार बार हमें कोड रन ना करना पड़े, है ना, बार बार एरर आएगा तो टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे आया, मैं गया यहाँ पे गया, तो मैंने शायद मैं कोई ना कोई तो डेटा यहाँ पे दिखा रहा होगा, गेट प्रोफाइल यूजर डेटा दिखा रहा हूँ ना, तो यूजर डेटा यहाँ पे आ रहा होगा, ये आ रहा है। इसके अंदर फॉलोअर्स और फॉलोइंग,
फॉलोइंग तो आ रहा है, फॉलोइंग ठीक है, और फॉलोइंग में ये आ रहा है आई थिंक को यहाँ तक, है ना, दो आइटम आ रहे हैं ठीक है। तो ये फॉलोइंग है तो काम करते हैं इसको डेटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा के अंदर फॉलोइंग भी दिख रहा है आई थिंक, और हमें दिख रहा है क्या, तो हम क्या करते हैं सिर्फ फॉलो ये वाला हटा देते हैं ना, और इसे ले लेते हैं ठीक। एक बार सेव करते हैं और देखते हैं, ये आ रहा है हमारा डेटा के अंदर आ रहा है ना। तो इसी तरीके से अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये कोड मैंने कमेंट किया उसको एक बार देखते हैं ओपन करके, एरर अभी भी आ रहा है या नहीं, दिक्कत क्या आ रही, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी प्रोफाइल पिक। अब एक बार जो हमने ये देखा था ना जहाँ पे हम कोड हमने प्रिंट करा था, इसके अंदर देखो प्रोफाइल पिक की कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक तो नहीं है ना, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी है ना, प्रोफाइल पिक एक में है, प्रोफाइल पिक मेरे को तो सही लग रहा है ना, तो ये भी सही है। तो फॉलोइंग, फॉलोइंग आइटम, आइटम डॉट डेटा क्यों ले रहे हैं, आइटम डॉट डेटा क्यों ले रहे हैं, डायरेक्टली है ना ठीक है, यहाँ पे आइटम डॉट डेटा नहीं है कुछ भी। ये हटाना है, ये बटन ही हट जाएगा, फॉलो वॉलो का यहाँ से ठीक है, और कहीं आइटम डेटा है ये हटा दे, और कहीं कुछ नेम, नेम कहाँ है, नेम हम ले रहे हैं ना आइटम डॉट नेम ठीक है, सेव करो जीमेल डॉट कॉम 1 2 3 4 5 6 के ओके। यहाँ आ रहे हैं तीन चार यूज़र, मैंने अदर से बना लिए हैं, इसमें दो को मैं फॉलो कर रखा हूँ, तो मेरी फॉलोइंग लिस्ट में दो आने चाहिए है ना, तो मेरी फॉलोइंग लिस्ट में दो आ रहे हैं, कबीर और एक्स वाई जेड, और मैंने दो को ही फॉलो कर रखा है ना, कबीर और एक्स वाई जेड ठीक है। तो ये मेरे पास दो आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई जब मैं फॉलोइंग पे, अच्छा ये अभी फॉलोअर्स पे आ रहे हैं, तो ये वाला जो मुझे फ्लैट लिस्ट दिखाना है ये कब दिखाना है, सेलेक्टेड टैब इक्वल्स टू 0, तब दूसरी फ्लैट लिस्ट आएगी, अदरवाइज दूसरी आएगी है ना। तो मुझे ये अभी फिलहाल 1 के हिसाब से है, तो यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा नल, एक बार इसको हम सेव करते हैं और एक बार क्लिक करते हैं फॉलोइंग पे तो दिखेगा नहीं, यहाँ तो नहीं दिखेगा ठीक है। सेम चीज़ अभी मैंने फॉलो नहीं कर रखा है ना, तो जब मैंने फॉलो लाइक मैंने फॉलो मेरी फॉलो मुझे फॉलो किसी ने नहीं कर रखा, तो मेरी फॉलोअर्स की लिस्ट में क्या आना चाहिए, ये वाला मैंने कॉपी किया ये पेस्ट कर लिया है ना, बट यहाँ होना चाहिए 1, और 1 पे नल और अदरवाइज ये, और यहाँ पे होना चाहिए एक एक्स्ट्रा लगा दिया ठीक है, यहाँ होना चाहिए फॉलो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो कोई लिस्ट ही नहीं आ रही है ना ठीक है ओके। अब मुझे कोई फॉलो करे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा फिर से, एंटर करूँगा मैं और यहाँ पे जाके मैं एक दूसरी आईडी से लॉगिन करता हूँ जिसे मैंने फॉलो कर रखा है ना, तो मैं क्या करूँगा कबीर एट द रेट
gmail.com 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ से लॉगिन करा, मैं कबीर की आईडी में आ गया। मैंने देखा यहाँ पे यूजर्स, ठीक है, मैंने कबीर ने किसी को फॉलो नहीं कर रखा, तो कबीर ने क्या करा, गौरव को कर लिया फॉलो, ठीक है। और कबीर की फॉलोअर की लिस्ट में तो गौरव ऑलरेडी आ ही रहा है क्योंकि मैं इसे फॉलो कर रहा था, अब फॉलोइंग की लिस्ट में भी गौरव आया क्योंकि मैं इसे फॉलो भी कर रहा हूँ और मैं इसका फॉलोअर भी हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, इसे दोबारा से रीसेट करके हम चलते हैं अपनी आईडी में जहाँ पे हम थे दोबारा से, जिससे हम चेक कर सकें कि कबीर हमारी लिस्ट में आना चाहिए फॉलोअर्स की, ठीक है। तो गौरव gmail.com 1 2 3 4 5 6, मैंने करा लॉग इन, तो मेरी फॉलोइंग की लिस्ट में दो आ रहे थे और फॉलोअर लिस्ट में, तो कबीर आ गया देखो मेरी फॉलोअर्स की लिस्ट में, क्यों, क्योंकि ये मुझे फॉलो कर रहा है, मैंने वहाँ से जाके फॉलो किया। कबीर जो फॉलोइंग की लिस्ट में दो आएंगे क्योंकि मैं कबीर को भी फॉलो कर रहा हूँ, एक्सपेजेंट को। तो ये फॉलो और अनफॉलो की कहानी थी, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी हम इस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, इस पे किसी पे क्लिक करेंगे तो उस बंदे की प्रोफाइल खुल जाए और वहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, अनफॉलो करने का या फिर फॉलो करने का, जो भी ऑप्शन है, अगर फॉलो कर रखा हो तो अनफॉलो का आएगा, ठीक है। और वहाँ पे ऑप्शन आएगा दूसरा मैसेज का, ठीक है, मैसेज का ऑप्शन आएगा। तो वो चीज़ हम वो चीज़ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं चैट वाला वीडियो, ठीक है, जहाँ पे जिसमें हम करने वाले हैं चैटिंग का पूरा, मतलब चैटिंग सिस्टम। हमने फॉलो और फॉलोइंग तो कर ही लिया, जब हम एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मैसेज वगैरह, ठीक है, पूरी चैटिंग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा लगा है कि आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।